क्या बना रहे हो? चाय। मैं भी लूंगा, पुच्चू के लिए भी रख देना। पुच्चू तो बड़े शौक से पीती है। चाय पिएगी ना? चाय बन रही है मेरी। चाय चाय में अदरक भी डाल लो। अदरक ठीक, थोड़ी सी अदरक। अदरक इन द हाउस। इन द हाउस नहीं, इन द चाय। कमल ने वो देख देख के मेरा पासवर्ड याद कर लिया। एक दिन मैं कमरे में उससे बाहर गई वापस अंदर आई, देखा कमल मेरा फोन करके बैठा है। मैं इनको पहली बार तेरे को पासवर्ड कैसे मिला? कहते मेरे को याद हो गया, फिर डालती हूँ ना डेली। ये देखो मैंने ये नया बॉक्स लिया है, ये मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। इसमें बहुत अच्छे से मेरी सारी ज्वेलरी फिट हो जाएगी और वो टूटेगी भी नहीं। चाय आ गई। चाय चाय चाय, मम्मी चाय लेके आई है। और ये मेरा बॉक्स हो चुका है रेडी। हमारा ये है कि हम ना सुबह और शाम को एक एक कप पीते हैं, पर भर के बड़ा कप चाहिए। ये छोटे कप से तो कुछ नहीं होता हमारा। आओ बैठो, चाय पे चर्चा करते हैं आज। मैं भी चाय बना लूं, एक और बना लूं चाय। क्यों? अच्छा उसकी शुगर फ्री चाय होती है ना। आ गई, देखो पूछू पूछू बोला ना, आ गई। मैंने वहां पे थी, मैंने पूछा बोला यहाँ आ गई। मेरा बेटा, मेरा बेटो, मेरा बेटो, मेरा बेटो चाय पिएगा, मेरा बेटो चाय पिएगा, मेरा बेटा। आज तुम दोनों कुछ कंटेंट नहीं दे रहे हो, चक्कर क्या है? आज तो ठीक है। तूने चाय पी भी ली? हाँ ठंडी चाय होगी। आपने भी पी ली? काफी तेज हो रहे हो। पंखे में चाय रखो, वैसे ठंडी हो जाती है। मैं नहीं पी सकता गर्म चाय, वैसे इतनी ठंडी का है जब तक बिल्कुल ठंडे पानी। अब मुझे बुआ की आदत हो गई है, मैं क्या करूँ। बोल कितना बदतमीज है बताओ, आया नहीं और ना वीडियो एडिट करता, कोई काम नहीं करता। क्या चेक कर रहा है? कल वाली वीडियो पर किस किसने कमेंट किया? ऑब्वियसली टाइम लगता है। अब हर किसी का गॉडफादर थोड़ा ना बैठा है यूट्यूब पे उनको फेमस करने के लिए। मैं खाना क्या बना रहे हो? भूख लग रही है। मैंने छोले चावल। कौन से? व्हाइट वाले? पता नहीं लोग मतलब व्हाइट वाले छोले को मतलब व्हाइट वाले छोले बोलते हैं, और जो वो काले वाले छोले होते हैं उनको हम छोले बोलते हैं, बट लोग चने बोलते हैं। हम प्याज को प्याज बोलते हैं, मुंबई वाले कांदा बोलते हैं। पुचका कहाँ पे बोलते हैं? मतलब गोलगप्पे को वो वहीं पे मुंबई। मुंबई में पानी पूरी। हाँ तो मैं छोटा सा था तब। हमारे यहाँ गोलगप्पे कहते हैं, वहाँ पानी पूरी कहते हैं। वहाँ के गोलगप्पे याद है कैसे थे? गरम आलू शिरडी में आता हूँ जब सोचा है। तुम लोगों ने खाए थे? हेलो, मैंने इसलिए नहीं खाए थे, उसमें पानी था, मतलब जैसे आलू थे तो मुझे ना मतलब दिखने में मुझे नहीं पता था कि आपको अलग लगा। हाँ। मुझे अलग लगा, मैंने सच्ची में नहीं खाया था। बट वो अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे वो। मुझे अफसोस है कि और मेरे ख्याल ना वो सूजी के भी नहीं थे, आटे के थे। आलू जब भी मैं शिरडी जाऊंगी डन। किसने टोका कि आपने नीम के पत्ते खाए थे? मैंने तो नहीं खाया, अरे मीठे होते खा के देखते। मैं तो अब मैं उस टाइम बाहर भी आ चुकी थी, हमारे घर आने की वापसी की तैयारी भी हो गई थी। लेकिन अगली बार जब साईं बाबा ने मुझे बुलाया शिरडी, मैं ये जरूर जाऊंगी करूंगी। पिट्ठू कराया था इनको, याद है? पिट्ठू कराया था पूरे तब, क्योंकि इन लोगों ये लोग थक गए थे, रात हो गई थी, इन लोगों को नींद आ रही थी। वरना नीचे से तो बहुत ऐसे फुर्ती में आए थे। मैं तो काफी बड़ी थी उस टाइम पे, ये बहुत छोटे थे। वैसे हम लोग कितनी सारी जगह घूमे हैं ना जब हम लोग छोटे थे, बड़े होने के बाद तो कहीं नहीं लेके गए। हम मसूरी याद है? मसूरी का वो कैमल फॉल याद है? मामा और पापा लेकर गए थे, बोल के गए थे कि घुमा पूरा घुमाऊंगे, खिलाएंगे भी अच्छे से, बस सामान मत मांगना। पूरा किया था हमारा, बहुत अच्छा था। जब वो साईं बाबा जी की जब पालकी जा रही थी तब कितनी तेज बारिश हुई थी, सीन तो देखने वाला था। बजा के शुरू किया, रश भी कितना था, नजारा आज तक मैंने, मजा भी आया था बहुत। वो सीन मेरे को याद है, बारिश इतनी तेज आ रही, लोग वहाँ से ट्रस्ट से मस्त नहीं हुए। हाँ, और बाबा की मतलब इतनी उसमें मगन हो गए, तालियां बजा रहे हैं, बाबा को नाच रहे हैं वहाँ पे, मतलब कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा, सब अपनी उसमें मस्ती में मगन। वो तो मैं आज तक नहीं भूल सकती, वो पालकी वाला सीन। हम लोग साथ में कितनी बार गए हैं? दो बार। एक बार राइफ को साथ नहीं गए थे, एक बार पहले गए थे हम। हाँ, बस दो ही बार। दो बार पहले तो हम गए, तो छोटी थी तब गए थे, एक बार अर्जुन मामा लेके गए थे बस तब गए थे। और बाकी वहाँ भी चलना है एक बार यार, इसमें रोड से मतलब सूट वगैरह देख लेंगे। करवा चौथ के लिए सूट देखना,
साड़ी वगैरह भी निकलवा दो, स्टार्टिंग हो चुकी है, फिर आगे भीड़ हो जाएगी, सामान भी नहीं मिलेगा या जो भी है वो बंद हो जाएगी। दिवाली का और करवा चौथ का भी वैसे कुछ समझ नहीं आता। ओहो मामी काम करते हुए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, इतना गोलगप्पे का पानी उसका इतना अच्छा, एक तो तीखा वाला पानी था अलग और मीठा अलग, मीठा अलग से डालते पूरा भूल गया। कईयों के गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं और कईयों के ऐसे होते हैं गंदे से, मतलब क्या बना रहे हो छोलों को तड़का लगा रही हूं। पर आपको पता है दिन में तो मैं चावल चला सकती हूँ, रात में मेरा चावल से पेट नहीं भरता, मुझे ना भूख लगती है, मतलब आधे घंटे में ही मुझे भूख लगने लगती है, नहीं भरता। हाय नहीं मिला छोटा, मम्मा के पास हो रहा है, मम्मी जाएगी वहीं जाएगा पूछा, मम्मी खड़ी है यहाँ पे सब्जी बना रही है और यहाँ पूछो मम्मी के पास सो रही है। क्या बोलो उसको, क्या पूछो, कमिंग पूछो, आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखती है ये लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। ओए होए होए ओए खुशी देखो मेरे पूछा की, खुशी देखो मेरे पूतू की, मम्मी हमारे प्लांट्स पहले से अच्छे हो गए हैं, टचवुड नाइस। तो आज है दशहरा बट आप लोगों को ये व्लॉग कल मिलेगा, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारक हो। गुस्से में खाना खा रही है, कितना ट्रैफिक है।